Good morning, dear friends. What a wonderful day it is for us to experience God's mercy and His love. सुप्रभात मेरे मित्रों, और ये कितना अद्भुत दिन है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के दया और करुणा का नए रूप से अनुभव करें। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। He loves you. वो आपसे प्रेम रखता and है। And He knows your name. और वो आपके नाम को जानता है। This morning our meditation's title is Abraham's plea for the righteous. और आज की सुबह का हमारे मनन का शीर्षक है अब्राहम की गुहार धर्मियों को बचाने के लिए। Based on Abraham's plea to God. For the righteous. और जिस जहाँ पर हम अब्राहम की गुहार को विनती को परमेश्वर की ओर देखते हैं कि वो धर्मियों को बचाए। The text is found in the book of Genesis chapter 18 verses 22 and 23. इस शीर्षक के मनन के लिए हम उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय और उसके 22 और 23 वचन की ओर देखें। Where we read these words. जहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं। So the men turned from there and went toward Sodom. But Abraham still stood before the Lord. Then Abraham drew near and said, "Will you indeed sweep away the righteous with the wicked?" तब वे पुरुष वहां से मुड़के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी की का भी नाश करेगा? Did God really have to accept Abraham's plea? क्या सच में परमेश्वर को अब्राहम की ये विनती या अनुरोध को ग्रहण करना था? No. नहीं. But he did. लेकिन उसने किया. Why? क्यों? That is my point. और इसी बात के बारे में आज की सुबह हम बात करेंगे. God is not bound to answer anybody's prayer or anybody's plea. और याद रखिए, परमेश्वर इस बात के लिए बाधित नहीं है कि वो किसी की प्रार्थना या विनती या निवेदन के प्रति उत्तर दे। But at the same time, लेकिन साथ ही साथ उसी समय, to a certain extent, that a God answers prayer, it depends on our the way we come to God. ये उस पर निर्भर है कई बार कि कैसे हम परमेश्वर के सम्मुख या किस दिल के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। So this morning I would like to mention three things and three reasons why God listened to Abraham. और इसलिए आज की सुबह मैं उन तीन कारणों के बारे में बात करूंगा कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम की विनती को सुना। First of all, पहली बात, consider Abraham's approach to God. देखिए किस प्रकार से अब्राहम परमेश्वर की ओर गुहार लगाता है। Verse 23. 23वां वचन। Where we read Abraham came nearer to God. जहाँ पर हम लिखा है अब्राहम परमेश्वर के निकट आया। This is an expression used when the mind and heart reach out to God in worship and in confession. और ये वचन इस बात को दर्शाता है या इस बात को दिखाता है कि कैसे जब आपका मन और आपकी आत्मा आराधना और स्तुति में परमेश्वर के समीप या निकट पहुंच जाती है। I will mention few references. कुछ वचनों को मैं बताऊंगा। Write it down and then you may go and read before you sleep these references in connection with the subject you heard this morning. और इन वचनों को कृपया करके आप लिख लें और आज के दिन सोने से पहले इन्हें आप पढ़ सकते हैं इस मनन के संदर्भ में। Exodus 30 verse 20. निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय 20वां वचन। Isaiah 29 verse 13. यशायाह नबी 29वां अध्याय 13वां वचन। Hebrews 4 verse 6. इब्रानियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 16वां वचन। And again Hebrew chapter 10 verse 22. उसके पश्चात फिर से इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 22वां वचन। Make sure you read these references. आप सुनिश्चित करें कि आज के दिन सोने से पहले आप इन वचनों को जरूर पढ़ें। Abraham's approach was one of sincerity. और अब्राहम इस प्रकार एक सच्चे दिल के साथ परमेश्वर के समीप गया। Purity, faith, शुद्धता के साथ और विश्वास के साथ। And humility, और दीनता के साथ। Watch these four things. इन चार बातों को आप देखें। I will mention it one more time. एक बार फिर से मैं बता दूं। His approach was sincere. उसका परमेश्वर के समीप जाना सच्चा था। And with purity of heart and thought. और उसके विचार और हृदय शुद्ध थे। And faith
in the goodness and faithfulness of God to watch out his for his righteous people. और उसका विश्वास था परमेश्वर की भलाई और विश्वास योग्यता पर कि वो परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा. And then lastly, his great humility. और अंत में उसकी महान दीनता को. Why many people do not see God does not to do what they want him to do? और क्यों बहुत से लोग इस बात को नहीं देख पाते कि वो जो परमेश्वर को अपने जीवन में करता हुआ या करना परमेश्वर से करने के लिए कहते हैं वैसा नहीं होता. Why? क्यों? They want God to do certain things. वो तो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए कुछ बातों को करे. But he is not doing. लेकिन वो नहीं करता. Because our whole approach is wrong. क्योंकि हमारा परमेश्वर के निकट जाना ही गलत है या जिस तरीके से हम उससे गुहार लगाते हैं वो ही गलत है. My friends, मेरे मित्रों, our approach to God should be one of submission and worship. मेरे मित्रों, परमेश्वर के निकट या समीप जाना और हमारी गुहार को उससे लगाने का मतलब है हम समर्पण के और दीनता के साथ इस बात को. I encourage you to remember this. कृपया करके मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ इन बातों को याद रखें. See, the answer from God does not only depend only on God but also on us with what kind of approach we come to God. और याद रखें कि परमेश्वर की ओर से उत्तर आना सिर्फ इस पर निर्भर नहीं है कि हम परमेश्वर के पास विनती लेकर जाते हैं, लेकिन कैसे उस प्रार्थना या विनती को हम परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं. Secondly, दूसरी बात, and the second reason is consider Abraham's appeal. दूसरा कारण ये था कि आप देखें कि कैसे अब्राहम ने उस विनती को किया. Verses 24 and 25. 24वां और 25वां वचन. Suppose there are 50 righteous within the city, will you then sweep away the place and not spare it for the 50 righteous who are in it? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? Far be it from you to do such a thing, to put the righteous to death with the wicked, so that the righteous fare as the wicked. इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों को एक ही दशा हो. Far be that from you. Shall not the judge of all the earth do what is just? यह तुझसे दूर रहे क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करे? Consider Abraham's appeal. देखे किस प्रकार से अब्राहम ने इस विनती को किया. He appealed to God's righteous character. उसने इस बात की विनती करी कि ये देखते हुए कि जो परमेश्वर का चरित्र है वो धर्मी चरित्र है. Notice one thing very specially. और ध्यान से एक बात को जरूर देखें. Abraham did not focus on what he wanted or what he thought he might not get from God. और इस बात पे देखे कि परमेश्वर से अब्राहम ने उस बात को नहीं मांगा जो वो चाहता था या उन बातों को जो उसे मिल सके. But he dwelt solely on God's character. लेकिन वो पूर्ण रूप से परमेश्वर के चरित्र के बारे में बात कर उस विनती को करता है. Especially dwelling on his character of righteousness. और खास रीति से परमेश्वर के धर्मी जो चरित्र का गुण है धर्मी उस चरित्र के गुण को God ध्यान में रखते हुए. God is righteous. परमेश्वर तो धर्मी है. So he is not going to allow the righteous to perish along with the unrighteous. और क्योंकि परमेश्वर धर्मी है इसलिए वो कभी ऐसा नहीं होने देगा कि धर्मी लोग अधर्मियों के संग नाश कर दिए जाएं. And Abraham's plea was, और अब्राहम की विनती ये थी,
that you being righteous, you will never do anything wrong. क्योंकि परमेश्वर तू धर्मी है, तू कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा. That anyone can question you. ताकि कोई भी तुझसे कोई सवाल करे. So remember that. इस बात को याद रखिए. It is not what we want him to do. और ये इस बारे में नहीं है जो हम चाहते हैं कि वो करे. And Abraham is reminding God. और अब्राहम इस बात को परमेश्वर को याद दिला रहा है. You will do because of who and what you are. तू तो करेगा क्योंकि जो कुछ तू है उस कारण. And the third thing. तीसरा कारण. Abraham's attitude. आप अब्राहम के स्वभाव को देखें. Consider that. उस बारे में verse 27. 27वां वचन. His attitude was shown in his statement to God. और उसके स्वभाव को हम उस वचन में देखते हैं जो उसने परमेश्वर के लिए कहा. What did he say? उसने क्या कहा? I am but dust and ashes. फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं. Is humility important in coming to God? क्या दीनता जरूरी है जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं? Absolutely. और ये बहुत ही जरूरी है. Read Psalms 51. आप भजन 51 को पढ़ें. David is pleading with Almighty God for forgiveness. और दाऊद सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समक्ष विनती, निवेदन और गुहार लगाए हुए हैं क्षमा के लिए. To restore him back to God. ताकि परमेश्वर दोबारा दाऊद के संग एक रिश्ते को जोड़े. To restore the joy of salvation. ताकि दाऊद के मोक्ष का, उद्धार का आनंद फिर से उसे प्राप्त हो जाए. And for the spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा उससे न दूर हो. For a new heart. और एक नए हृदय के लिए वो प्रार्थना करता है. But what was his attitude? लेकिन उसका स्वभाव क्या था? What are the sacrifices in which God is pleased? और किस प्रकार के बलिदानों में परमेश्वर प्रसन्न होता है? According to this psalm. इस भजन के अनुसार. A broken and contrite heart. एक टूटा और एक टूटा हुआ हृदय के लिए पर, जो परमेश्वर के लिए खुला है. This God will not despise. ऐसे हृदय को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा या त्यागेगा. Whoever is God near to in answering prayer. Who is the person to whom God answers prayer? और किसके निकट परमेश्वर है या किसकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देता है? And this God is nearer to the broken-hearted. और ये परमेश्वर तो ऐसे लोगों के निकट है जिनके हृदय टूटे हुए हैं. Isaiah 57 verse 15. यशायाह नबी 57वां अध्याय और 15वां वचन. And there we read. और वहां पर हम पढ़ते हैं. 57वां अध्याय और 15वां वचन. For thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit. क्योंकि जो महान और उत्तम और सर्वदा स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊँचे पर और पवित्र स्थान पर निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ. This is our God. यार ये हमारा परमेश्वर है. He has two palaces. उसके पास दो महल है रहने के लिए. One palace, he lives in a high and lofty place. और वह ऐसे स्थानों पर रहता है जो ऊंचे और बहुत ही ऊंचे और पवित्र हैं. I dwell in the high and holy place. मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ. Then he say, I also live with him who is of a contrite spirit. और उसके पश्चात परमेश्वर ये भी कहता है, मैं उनके हृदयों में वास करता हूँ जिनके हृदय नम्र और खेदित हैं. The Gospel according to St. Luke chapter 18 verses 9-14. और लुका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 9 वचन से लेकर 14वें वचन तक. There Jesus is using another parable. वहां पर यीशु एक और दृष्टांत को देता है. You know to whom Jesus told this parable? क्या आपको पता है यीशु ने किसे इस दृष्टांत को बताया? We are told in this passage I quoted in 18th chapter of Luke verses 9-4 this parable.
to some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else. और क्योंकि कुछ ऐसे जो अपनी धार्मिकता को लेकर बहुत ऊंचा आंकते थे और घमंड करते थे और दूसरों को नीचा आंकते थे. That is Pharisees' spirit. और ये है फरीसियों की आत्मा. They thought of themselves very righteous. उन्होंने अपने बारे में अपने आप को बड़ा धर्मी ठहराया. And then Jesus proceeded to tell this parable of two men who went to the temple to pray. और उसके पश्चात यीशु मसीह एक दृष्टांत को देने के लिए उनके सामने रखा कि कैसे दो लोग मंदिर के भीतर गए. One was a Pharisee. एक फरीसी था. And one was a publican. और एक साधारण व्यक्ति. That publican means, you know, the one tax collector. और एक साधारण व्यक्ति या publican जो शब्द है इसका अनुवाद किया जाए तो चुंगी लेने वाला. And so both of them entered into the temple, and the Pharisees took the central stage. और दोनों ही व्यक्ति उस मंदिर के भीतर पहुँचे. जो फरीसी था, उसने मध्य के स्थान को. Where everybody could see him. ताकि जिस उस मध्य स्थान से हर standing there, हर एक देख सके. He spread his both arms. और उस मध्य स्थान पर खड़े होकर उसने अपने दोनों हाथों को खोलकर प्रार्थना. And then he preached a sermon about himself. और एक बड़ी प्रचार को किया अपने बारे में. He was not praying. वो प्रार्थना नहीं कर रहा था. But he was telling how good he was. लेकिन वो तो ये प्रचार कर रहा था कि वो कितना अच्छा है. So God is bound to bless him further. और क्योंकि वो इतना अच्छा है इसलिए परमेश्वर ये इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उसे आशीषित करे. But the publican stood in the corner. लेकिन जो चुंगी लेने वाला था वो मंदिर के कोने में खड़ा था. He was so ashamed of himself. वो अपने आप को इतना लज्जित और शर्मशार समझता था. He couldn't even lift up his head. ताकि वो अपने सर को भी उठा सके. And he was beating his chest all the time. और वो अपने छाती को पीट रहा था. And his cry was, Lord, have mercy on me. और उसकी गुहार ये थी कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर. I have no goodness. मुझ में कोई भलाई नहीं. There is nothing in me that you would accept. मेरे भीतर कुछ भी ऐसा नहीं जो तू ग्रहण करे. But I am pleading on your mercy. लेकिन मैं गुहार लगाता हूँ तेरी दया के लिए. And the Bible says. और वचन बताता है. That publican went away justified in the sight of God, while the Pharisees remained condemned. और यीशु मसीह के वचन में हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे वो फरीसी दोषित होकर के दंडित दंड के अपने ऊपर लिए हुए वहां से निकला, जबकि दूसरे हाथ पर ये चुंगी लेने वाला शुद्ध और पवित्र होकर. My friends, listen to this. मेरे मित्र इस बात को सुने. God is still the same. परमेश्वर अभी भी वही परमेश्वर है. Our own attitude should be the same as that of Abraham. हमारा स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा अब्राहम का था. Anyone who exalts himself, God will bring him down. ऐसा कोई भी जो अपने आप को ऊंचा उठाता है परमेश्वर उसे नीचा गिरा देगा. God himself who will humble him. परमेश्वर उसे दीन करेगा. But anyone who humble himself, God will exalt. लेकिन ऐसा कोई भी जो खुद को दीन करेगा परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा. Do you want to be exalted by God? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए? Then come to God with an attitude of humility. तब परमेश्वर के निकट आएं समीप आएं दीनता के साथ. Like the prodigal son. उस उड़ाव पुत्र के समान. When he left home. जब उसने घर को छोड़ा. He was so proud. वो कितना घमंड से भरा था. But when he returned. लेकिन जब वो वापस लौटा. He was so humble. वो इतना दीन था. And he told father. उसने कहा पिता. I am not worthy to be your son. मैं तो योग्य नहीं हूँ कि तेरा बेटा कहलाऊं. Don't accept me as a son. मुझे एक बेटे के रूप में ग्रहण मत कर. But accept me as one of your servants. लेकिन अपने एक दास के रूप में मुझे ग्रहण कर ले. Our father in heaven is waiting for you to approach him in that way so that he may be able to do for you whatever is good. स्वर्ग में हमारा पिता भी हमारे लिए ऐसे ही इंतजार कर रहा है कि हम ऐसे लौट आएं ताकि जो कुछ भला और अच्छा है वो हमारे लिए करने पाए. So God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. Have a good day today. एक दिन आपका ये दिन अच्छा बीते. Lord, again we come to you. और परमेश्वर फिर से हम तेरे निकट आते हैं. To appeal to your mercy. और तेरी दया को अपने लिए मांगते हैं. And your kindness. और तेरी नम्रता. And your grace. और तेरा अनुग्रह. May your grace be given to us. उन्हें तेरा अनुग्रह हम में से हर एक को मिले. That we may be accepted
by God Almighty through you. ताकि हमें ग्रहण किया जाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे द्वारा. I don't have any merit to stand on my own merit. ओ पिता, हमारे पास ऐसा कोई भी गुण नहीं जो हम तेरे सामने खड़े हो सके. I stand on the ground of your merit, O God. लेकिन हम तो उस अनुग्रह और उन बातों की भूमि पर तेरे सम्मुख खड़े होते हैं जो तूने हमारे लिए तैयार किया. That you will not despise anyone who come to you in utter humility. ताकि तू किसी को ठुकराए ना जो दीनता के संग तेरे निकट आता है. Thank you. धन्यवाद. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे.